हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से हम हाजिर हैं मीनाज टेरेस गार्डन में। हमारे टेरेस गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब चूंकि बरसात शुरू हो गया, इसलिए हम लोग कुछ कुछ प्लांट अब लगाना शुरू कर दिए हैं। तो आज हम लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इस ग्रो बैग में हमने नीचे थोड़ी मिट्टी डाल के सब्जियों का छिलका ऐसे डाल दिया, उसके ऊपर से मिट्टी डाल के छोड़ दिया था। करीब 15 दिन हो गए। तो अब ये देखिए, ये सब खाद बन गया है। इसमें और कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। ये है नारी का साग, हमने लिया था। तो इसकी पत्तियां तो हमने इस्तेमाल कर ली, लेकिन ये जो वेस्ट है इसका, ये हम ऐसे बिछा देंगे इसमें, इस तरह से। ये प्रयोग हमने पिछले साल भी किया था, और पिछले साल बहुत सारे इससे हमको साग मिले थे, जो 4-5 बार हार्वेस्ट किया हमने और खाया। तो इसको इसी मिट्टी से ऐसे कर देंगे। इसमें से फिर से नई पत्तियाँ निकलेंगी, नया ग्रोथ होगा, और इसको हम लोग हार्वेस्ट करके इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ी मिट्टी और डाल देंगे ऊपर से। ये देखिए, ये सारी मिट्टी हमारी तैयार है। गर्मियों में हमने पौधे तो नहीं लगाए, गर्मी में लगा नहीं सकते थे, तो हमने यही काम किया, सारी मिट्टी सुखा के स्टरलाइज करके और गाय का गोबर डाल उल के तैयार कर लिया था। थोड़ी नीम की खली भी डाल दिए थे, और थोड़ा थोड़ा लकड़ी का राख, बस और कुछ नहीं डालेंगे इसमें। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और मेरे ख्याल से 15-20 दिन में ये निकल आएगा ऊपर, फिर हम आपको इसका अपडेट दिखाएंगे। चलिए, तो आप भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं अपनी टेरेस पे या बालकनी में। छोटे से ग्रो बैग में भी आप लगा सकते हैं इसको, और अच्छा लगता है। घर की साग भाजी खाने में साफ सुथरी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।